स्टंट्स करते वक्त आखिर खतरों के खिलाड़ी के किस कंटेस्टेंट को बुरी तरीके से चोट लगी है? जी हाँ, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि देखने के बाद आप हो जाएंगे शौक। आखिर क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग चल रही है और बैक टू बैक जो स्टंट्स हैं वो हो रहे हैं और वहाँ से जो अपडेट सामने आ रही है एक एक करके हम आपको बताए जा रहे हैं। हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में अपडेट के दौरान हमने आपको बताया था कि कैसे रूबीना दिलैकनी का जो है और साथ ही साथ निशांत भट्ट, इन सभी को चोटें लगी थी और तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब निशांत भट्ट की एक और तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उन्हें स्टंट करते वक्त काफ़ी चोटें लगी हैं और वो देखने के बाद कहीं ना कहीं आप थोड़े हैरान परेशान भी हो जाएंगे क्योंकि छोटी मोटी चोट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो ये आप एक तस्वीर देखिए जिसमें उनके बैक पे जो शोल्डर का पार्ट है उस पर पूरा रेड रेड हो गया है, स्क्रैचेस आ गए हैं। ये एक है, दूसरा जो है ये घुटना आप देख सकते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से उन्हें चोटें लगी हैं। और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर स्पेशली आप जाकर देखेंगे तो एक ट्रेंड चल रहा है डेयर डेविल निशांत इन खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, क्योंकि ये जो चोटें हमें दिख रही हैं इससे पता चल रहा है कि निशांत भट्ट ने अपना पूरा 100% दिया है स्टंट करने के लिए। और ये हमें डेफिनेटली नज़र आएगा जब एपिसोड ऑन एयर होगा। तो इसी तस्वीर को लेके काफ़ी वाहवाही हो रही है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी मेहनत, उनके हार्डवर्क को। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको ये तस्वीरें देखने के बाद कैसा फील हुआ, कैसा मतलब रिएक्शन क्या था, बता दीजिए। और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।